Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the second lecture of the day that is based on the Hindu editorial vocab. इससे पहले already current affairs का आप लोगों का वीडियो आ गया है. जिन लोगों ने अभी तक जाके उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद फिर vocab को आकर देखें. चूंकि टेक्निकल इशू के कारण कुछ नेट प्रॉब्लम था, इसलिए वो लेक्चर थोड़ा सा लेट हो गया, वरना पर डे 8 बजे के आसपास वो लेक्चर आपको मिल जाता है. तो आज जो हम लोग vocab को डिस्कस करने वाले हैं वो 8th अगस्त 2020 के एडिटोरियल से लिए गए हैं. चलिए चलते हैं लेक्चर की ओर. तो लेक्चर पे जाने से पहले हम लोग इम्पोर्टेंट डे को डिस्कस करते हैं, जो कि है क्विट इंडिया मूवमेंट डे. एक्चुअली ये डे सेलिब्रेट किया जाता है 9th अगस्त को. तो कल हमारा संडे है, संडे को हमारा लेक्चर नहीं आता. हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि संडे को रिविजन के लिए टाइम दिया जाएगा. सो आज ही मैं इस वर्ड को डिस्कस कर देता हूँ. चूंकि ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को ही एक रिजोल्यूशन पास किया गया था जिसका नाम था क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, बट ये फोर्स में कब लाया गया, 9 अगस्त 1942 को. इसलिए इसको देखकर कंफ्यूज ना हो, कहीं कहीं पे ये 8 अगस्त भी दिया जाता है, बट ये ओरिजिनली 9 अगस्त को स्टार्ट किया गया था ऑफिशियली महात्मा गांधी जी के द्वारा. मूवमेंट का स्लोगन था क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो, और गांधी जी ने स्लोगन दिया था डू और डाई, करो या मरो. इसी को बोला जाता है अगस्त मूवमेंट या फिर अगस्त क्रांति. आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रीडम स्ट्रगल के किस मूवमेंट को अगस्त क्रांति बोला जाता है, किस रिजोल्यूशन को, क्विट इंडिया मूवमेंट को, क्विट इंडिया रिजोल्यूशन को ही अगस्त क्रांति बोला जाता है. चलते हैं अपने लेक्चर की ओर, जो कि है हमारा फर्स्ट वर्ड कोएलिशन. पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के अंदर आता है जिसका मतलब होता है गठबंधन. आपको पता है कि गवर्नमेंट भी दो तीन गवर्नमेंट मिलकर, दो तीन पार्टियां मिलकर कोएलिशन की सरकार बनाती है, यानी कि गठबंधन की सरकार बनाती है. वही ये पिक्चर है, दो लोग हाथ मिला रहे हैं या गठनी की गठबंधन कर रहे हैं. द टू पार्टीज हैव यूनाइटेड टू फॉर्म अ कोएलिशन, यानी कि दो पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया. द कोएलिशन गवर्नमेंट इन कर्नाटका विल नेवर होल्ड टूगेदर फॉर 6 मंथ, यानी कि गठबंधन की सरकार कर्नाटका में 6 मंथ भी एक साथ नहीं रह सकी. सिनोनिम्स देखेंगे एसोसिएशन, यूनियन, फेडरेशन, इन सब का मतलब होता है ग्रुपिंग करना, गठबंधन बनाना. एंटोनियम मतलब डिटैचमेंट, अलग होना. डिवीजन मतलब भी अलग होना. पार्टिंग मतलब भाई पार्ट पे पार्ट में बढ़ जाना. कोएलिशन गवर्नमेंट तभी काम करता है जब दोनों पार्टी की तरफ से इक्वल नंबर ऑफ पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो. अगर दो पार्टी आपस में मिलकर कोएलिशन की सरकार बनाई है तो वो तभी काम करेगा जब दोनों को के बीच सीटों का बंटवारा जो है इक्वल नंबर में हो, वरना ये टूट जाएगी, जैसा कि कर्नाटका में आप लोगों ने देखा है. चलते हैं सेकंड वर्ड की ओर, जो कि है हमारा स्लगिश. पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है जिसका मतलब होता है स्लो टू एक्ट और रिस्पॉन्ड, यानी कि किसी चीज पे रिस्पॉन्ड करने में स्लो होना, यानी आलसी, सुस्त जिसको बोल सकते हैं. ये पिक्चर देख सकते हैं, एक डॉगी है बहुत ही स्पीडी है, तेजी से दौड़ रहा है, एक बहुत स्लगिश है यानी कि सुस्त है, आलसी है. इकोनॉमिक रिकवरी है सो फार बीन स्लगिश आफ्टर लॉकडाउन, यानी लॉकडाउन के बाद भी आर्थिक रिकवरी जो है वो काफी सुस्त है, यानी कि वो ज्यादा तेजी से बढ़ नहीं रही, इकोनॉमी की कंडीशन सुधर नहीं रही है. सिनोनिम्स देखते हैं इसका, लिथर्जी यानी आलसी, स्लो मतलब सुस्त, स्टैग्नेंट मतलब भी सुस्त. एंटोनिम्स देखेंगे एक्टिव, एनर्जेटिक, अलर्ट. सूरज को पढ़ाई में स्लगिश रहने के कारण उसके पेरेंट्स ने उसे पनिश किया. आप अगर पढ़ाई में सुस्त रहोगे, आलसी रहोगे, पेरेंट्स तो आपको पनिश करेंगे ही. चलते हैं थर्ड वर्ड की ओर, जो कि है हमारा इरिट्रीवेबल. आई विल से इट अगेन, इरिट्रीवेबल. पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अंदर आता है जिसका मतलब होता है नॉट कैपेबल ऑफ बींग रिट्रीव, यानी कि जो असाध्य है, असुधार्य है, यानी कि आप कोई ऐसी गलती करो जिसको सुधारना काफी मुश्किल है, या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो, उसी को हम लोग बोलते हैं इरिट्रीवेबल. जैसे कि ये देख सकते हैं डाइवोर्स का मैंने पिक्चर लगाया, ये एक इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन है, यानी कि दो लोग आपस से एक साथ रहने की बजाय डाइवोर्स ले लें एक पति पत्नी के बीच, यानी कि दोनों अलग हो जाएं. द ब्रेकडाउन ऑफ देयर मैरिज वॉज इरिट्रीवेबल, यानी कि उनके मैरिज का टूटना, शादी का टूटना एक असुधार्य था, यानी कि जिसको जोड़ना फिर मुश्किल था. After money is transferred out of the USA, it is practically irretrievable. यानी कि एक बार पैसा अगर USA से बाहर आ गया तो वो फिर असुधार्य हो गया, असाध्य हो गया, यानी कि वो फिर वापस नहीं जा सकता. Synonyms देखेंगे irreplaceable, irrecoverable, incorrigible. ये सब का मतलब होता है असाध्य, असुधार, यानी जिसको फिर से रिपीट ना किया जा सके.
एंटोनिम्स देखेंगे, रिवर्सिबल यानी कि फिर से उसको आप रिवर्स कर सकते हो, फिक्सेबल जिसको फिक्स कर सकते हो, रिमेडिएबल यानी जिसको ठीक कर सकते हो। वो लोग इरिट्रीवेबल तरीके से अलग हो गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये रिपीटेबल मिस्टेक है, फिर से हो सकता है, यानी कि किसी के डाइवोर्स की वजह बन सकती है रिपीटेबल मिस्टेक, एक ही मिस्टेक बार बार करना, इसलिए उन लोगों ने अलग होने का फैसला किया। चलते नेक्स्ट वर्ड की ओर जो कि है हमारा यूफोरिया। पार्ट से स्पीच में ये नाउन के अंदर आता है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीम हैप्पीनेस, परम आनंद, परम सुख जिसको आप बोल सकते हो। जैसे इन दोनों को देख पा रहे हो, ये लोग परम सुख का अनुभव कर रहे हैं, एक्सट्रीम हैप्पीनेस का अनुभव कर रहे हैं। दे वेर इन अ स्टेट ऑफ यूफोरिया आफ्टर द बेबी वॉज बॉर्न। वो लोग एक मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस की स्टेट में थे बच्चे के जन्म के बाद, यानी कि उन लोगों को बच्चे के जन्म के बाद परम आनंद का अनुभव हो रहा था। I was in a state of euphoria all day. मैं दिन भर पूरे दिन परम आनंद का अनुभव करता रहा। Synonyms देखता हूँ, delight, happiness, pleasure मतलब खुशी। Antonyms देखेंगे, depression, despair, sadness मतलब दुख, उदास। बच्चों के euphoria का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, बच्चे अगर खुश होते हैं सबको खुश कर देते हैं, यानी बच्चे अगर खुश होते हैं तो वो दिल से खुश होते हैं, उनके खुश होने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, उनके हैप्पीनेस का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। चलते हैं हमारे लास्ट वर्ड की ओर जो कि है हमारा सब वर्ड। पार्ट से स्पीच में वर्ब के अंदर आता है जिसका मतलब होता है टू ओवरथ्रो, नष्ट कर देना। जैसे कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक गाड़ी को नष्ट कर दिया गया है, यानी कि सबवर्ट कर दिया गया है। द रिवेलियस ट्रूप्स अटेम्प्टेड टू सबवर्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, यानी कि रिवेलियस ट्रूप ने अटेम्प्ट किया प्रेजेंट गवर्नमेंट को नष्ट करने का, यानी वर्तमान गवर्नमेंट को नष्ट करने का। He failed to subvert even his vulnerable neighbor, यानी कि वो अपने vulnerable पड़ोसी को भी नष्ट करने में फेल हो गया। Synonyms देखते हैं, rebel, destroy, sorry spelling mistake यहाँ पे सही कर लीजिएगा, destroy होता है destroy, overthrow, add, help, improve, यहाँ पे भी थोड़ा सा एक mistake है, नष्ट कर देना इसको कर लीजिए, दना नहीं है। add, help, improve मतलब सहायता प्रदान करना। इंडिया को उसके नेवर ने काफी हर्ट करते रहते हैं, उनको अपने उस बिहेवियर को सबवर्ट करने की जरूरत है, यानी कि इंडिया के नेवर चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, किसी ना किसी तरीके से इंडिया को हर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, उनको अपने इस बिहेवियर को नष्ट करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग मंडे को आएंगे फिर से नए लेक्चर के साथ। बट इससे पहले हम लोग चलते हैं मैथ द फॉलोइंग में, जो कि प्रीवियस डे का लेक्चर रहता है, प्रीवियस डे के वर्ड रहता है जिसको हम लोग रिवीजन के तरीके से देखते हैं। तो ये हो गया वर्ड्स हमारा और ये हो गया सिनोनिम्स यानी साइनो जिसको बोलते हैं आप। सबसे पहला वर्ड है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, संघर्ष। वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करें, अगर सारा सही बन जाता है सोचिए आप लोगों ने लेक्चर सही तरीके से देखा है। दूसरा देखता हूं कनक्वेस्ट मतलब विक्ट्री, विजय जिसको बोलते हैं किसी और की, जैसे राजा एक राजा दूसरे राजा के घर पे जाके कॉन्क्वेस्ट करता था, उसको हासिल करता था, उसको जीतता था, तो इसका क्या होगा इन्वेजन। तीसरा है एब्सर्डिटी, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कोई बता सकते हैं, मूर्खता यानी कि फुलिसनेस। प्रोपोनेंट मैंने कल भी बोला था, बीजेपी का भी फोटो लगाया था समर्थक का, यानी ये हो गया समर्थक आपके, जिसको आप एडवोकेट बोल सकते हो। ट्रैंक्विलिटी शांति जिसको बोल सकते हो, मैंने एक काफी अच्छा सीनरी का फोटो लगाया था जिसको कामनेस भी बोला जाता है। तो आई होप कि आप लोगों ने पांचों का पांचों अच्छे तरीके से मैच कर दिया होगा, अगर मैच कर दिया यानी आप लोग अच्छे से लेक्चर को देख रहे हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अब हम लोग फिर से मंडे को मिलेंगे क्योंकि संडे को हमारा ऑफ रहता है। सो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और हमारा करंट अफेयर्स का भी वीडियो आ रहा है तो करंट अफेयर्स के वीडियो को भी आप लोग जाकर देखें, ऐसे ही अपना सपोर्ट दें उनको, उसको भी शेयर करें। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन, जय हिंद।